मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मेक कंपनी के स्थित जो राशनिंग ऑफिस है यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और जावेद मेडिकल एनसीपी के तमाम महिला कार्यकर्ता और अन्य स्थानीय लोग जो किस्मत कॉलोनी के रहने वाले हैं वो लोग सभी लोग यहाँ पर राशनिंग ऑफिसर से मुलाकात करने के लिए आए थे। दरअसल सदानंद महात्रे करके एक राशन की दुकान थी और उनकी डेथ होने के बाद जो है करीब 3 महीने से किस्मत कॉलोनी की राशन की दुकान बंद थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो राशन कार्ड धारक थे उन लोगों को तनवर नगर में स्थित एक राशन की दुकान पर डाइवर्ट किया गया था कि वहाँ से वो राशन ले। लेकिन वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आए दिन मारपीट की घटनाएं होने लगी, यहाँ तक कि FIR भी दर्ज हुई है मारपीट को लेकर। शमीम खान और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर राशनिंग ऑफिसर जो हैं उनसे मुलाकात की और मांग की है कि जो सदानंद महात्रे थे उनके डेथ होने के बाद 3 महीने से जो राशन की दुकान बंद है, उनके जो बेटे हैं विवेक महात्रे, उन्हें ये दुकान चलाने के लिए दिया जाए। और पूरी ये तो यहाँ पर राशन के जो ऑफिसर हैं उन्होंने जानकारी दी कि इसका प्रोसेस चालू है और 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वो दुकान भी चालू कर दी जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर राशनिंग ऑफिसर से जो मुलाकात की शमीम खान ने और क्या कुछ बातचीत हुई है, राशनिंग ऑफिसर ने भी क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मिसेस रगड़े, वैशाली। क्या शिकायत यहाँ पर शमीम भाई लेकर आए थे, क्या पूरा मामला है? नहीं नहीं, उनका एक रेशन दुकान है, वो वारसा हक से बंद हुआ है, वो दूसरे दुकान को जोड़ा है, तो उनका मतलब बोलने का मतलब ये है कि वो पहला वाला दुकान ही चालू करके दे दो वही एरिया में। तो हम लोग वो DCR सर को ये निवेदन देंगे और उनके पास से जो भी जवाब आएगा आपको पहले इत्तला करेंगे कि क्या है क्या नहीं। कब तक चालू हो पाएगा कुछ ऐसा आपके तरफ से? जितना जल्दी हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। टाइम वक्त वगैरह कुछ होगा ना? आपने कहा ना पता नहीं मैडम, कोई नियरेस्ट टाइम बताएं। तो ज्यादा से ज्यादा तो 1 से 1.5 महीना तो लगेगा। नहीं, ऐसा कहना है कई महीने से राशन नहीं मिला, दीपावली की टाई वो भी नहीं मिला है, वो मिलेगा। आप लोगों ने किसी दूसरे दुकान वाले को हैंडओवर किया है, वो भी बराबर से नहीं दे रहा है, लफड़े हो रहे हैं। तो आप लोग कुछ ऐसा टेम्पररी बेस पर किसी को दुकान चलाने के लिए वहाँ दे सकते हैं क्या? ऐसा ऑर्डर तो नहीं आएगा, वही दुकान में आपको सबको माल मिल जाएगा, इसकी तजवीज की जाएगी। 3-4 महीने से अगर वो दुकान बंद है, मैडम 3-4 महीने से अगर वो दुकान बंद है तो आप लोगों ने अभी तक ऐसा प्रोसेस करके उसको चालू क्यों नहीं करा? प्रोसेस चालू है, इन प्रोसेस है, वो वारसा हक का जो उसका दुकान है वो इन प्रोसेस है, सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाने के बाद। कितना समय लगता है पूरा डॉक्यूमेंट जुटाने के लिए? 2 महीना। वो उनके उनका दुकान नहीं था ना, वो दुकान सब मिलेगा उसका, हेड ऑफिस से, प्रधान कार्यालय से। जो माल है ना अपने नेता जायद भाई, उनके हाथ से हम बंटवाएंगे और कोई शिकायत नहीं। सर आपका नाम? किरण गांगुड़े, रेशमी इंस्पेक्टर। तो अभी कंफर्म आप लोग बताइए एक टाइम टेबल कब हो जाएगा ये? नहीं नहीं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अभी उनके नाम पे जो राशन दुकान होगा ना उसके लिए हेड ऑफिस का परमिशन लगता है, लेकिन हम अभी ये दुकान। अच्छा, कितने दिन से दुकान बंद है? 3 महीना हुआ, करीबन 3 महीना हुआ। तो एकदम फास्ट प्रोसीजर में सब, अच्छा अपना सब फास्ट प्रोसीजर। ये दुकान वाला जो उसमें ये नहीं रहेगा बांटने में, उसमें हम दूसरे दुकान में उसको अटैच करने का परमिशन दो, दूसरा दुकानदार आसानी से बांट सकता है। रेखा अनिल सक्सेना उससे पूछताछ करेंगे, वो उसमें ताकत रहेंगे क्या, इतने लोगों को संभालेंगे, तो हम उधर बंटवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर भी हम अपने नेता है जायद भाई, उनसे उनके हाथ से ही जो जिनको मिला नहीं उनसे सब ये करेंगे। और शमीम भाई आए तो अच्छी बात है। शमीम भाई अभी राशनिंग ऑफिसर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनका कहना है कि 1 से 1.5 महीना लगेगा। आज मैं बहुत जमाने बाद राशनिंग ऑफिस आया हूँ, लेकिन मुझे मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट जाव शेख मेडिकल ने कंप्लेन किया कि भाई वहाँ पे एक राशन की ऑफिस थी जिसका नाम था सदानंद महात्रे, ये जो वहाँ पे राशनिंग का जो वहाँ पे तकसीम किया जाता था, जो मंथली इनकी तरफ से जो गवर्नमेंट से राशन आते हैं वो तकरीबन 800 लोगों को मिलता था किस्मत कॉलोनी के इलाके के अंदर। तो
तो वहाँ पे ये बंद हो गया तकरीबन कितना महीना हुआ, 3 महीने से बंद हो गया। देखिए बीच में दीपावली भी आई, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उसका इंतजार में थे कि भाई दुकान वो एक्सपायर हो गए, सदानंद महात्रे जी एक्सपायर हो गए। लेकिन आज हमारी उनसे मांग ये है कि जो उनके बेटे हैं विवेक महात्रे, ये सक्षम है कि इस काम को पूरा अंजाम देंगे। और जो सदानंद महात्रे जी एक्सपायर हो गए, अच्छे आदमी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया किस्मत कॉलोनी में, कभी वहाँ भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर राशन पहुँचाया, राशन दिया। तो आज हमने मैडम से और सर से ये मांग किया है कि आप इसको जल्द से जल्द इस दुकान को चालू करो, क्योंकि वहाँ पे आज तकरीबन इस्लामुद्दीन भाई 150 लोग आए हैं जावेद भाई, और कहीं ना कहीं मुझे मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट गणेश मुंडे जी, जावेद भाई और तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आज उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आवाज़ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब तक भी गई है, क्योंकि जब भी मैं कोई स्टेप लेता हूँ तो उनसे एक काम बात ज़रूर करता हूँ। तो मैं आते वक्त उनसे बात किया हूँ, उन्होंने भी आपसे अपील किया है और मुझे ये कहने के लिए कहा है कि आप इसको जो आप कह रही हैं मैडम कि वो नवंबर में लास्ट तक होगा या 1.5 महीना होगा, मैं विनती करता हूँ इन गरीब तबके के लोगों से, इनकी तरफ से, क्योंकि वो एक सलम इलाका है किस्मत कॉलोनी का, जहाँ जावेद भाई खुद रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं भाई अभी देखिए खाला है यहाँ पे, ये आपा है, आप देखिए ये सब बेचारे गरीब लोग हैं मैडम, इसको ज़्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए मैडम इसको आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 15 दिन के अंदर, आप जैसे बोले आज ही हम आप मुंबई जाएंगे अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाके उनसे विनंती की, जो उनको बोलिए कि डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब की तरफ से शमीम खान आए थे और उन्होंने विनंती किया है कि इसको आप 15 दिन में चालू करो। जावेद भाई आप लोग राशनिंग ऑफिस में आए थे अभी, जो टेम्प्रोरी बेस पे है उसका कुछ बातचीत हुआ है, आगे कुछ और समय लगेगा तो क्या कहेंगे इसमें आप? जैसे कि आपने, आपको हमारे कलवा मोड़ा के अध्यक्ष श्री शमीम खान साहब ने बताया कि हम लोग पिछले 3 महीने से किस्मत कॉलोनी के जितने भी कार्ड होल्डर है सब परेशान थे, हम लोगों ने इसकी शिकायत जो है हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब से की थी, तो शमीम खान ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम लोग बहुत जल्द राशन ऑफिस आके मैडम से कॉन्टेक्ट करेंगे और वो राशन की दुकान जो हमारे एरिया में बंद पड़ी 3 महीने से जल्द शुरू करने की जो है मैडम से डिमांड करेंगे। और मैडम ने भी हमको आज बताया कि वो बम्बई जाके हेड ऑफिस में उस दुकान के बारे में जो है वहाँ पे अपने हेड ऑफिस में लोगों को बताएंगे और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो दुकान शुरू की जाए, क्योंकि वो दुकान बंद होने से ना बहुत मसला हो रहा है समझ में। अभी ऑलरेडी 1 हफ्ते में 3 बार झगड़ा हो चुका है, 2 बच्चों पे FIR हो चुकी है और आज सुबह भी वहाँ पे जो है ना झगड़ा हुआ है, तब जाके मैं सारी औरतों को लेकर शमीम भाई के ऑफिस में गया हूँ और शमीम भाई जो है हम लोग ने यहाँ पर लेकर आए और मैडम से ये डिमांड की है।